सर मैं आर्य मित्तल बोल रहा हूँ सर जी। हाँ जी सर बोलिए। आर्य मित्तल बोल रहा हूँ सर जी मैं। हाँ सर जी बोलिए जी। सर जी मेरा एक खटके साहब से निवेदन है कि बाबा साहब के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, और उन्होंने बहुत कुछ बताया। एक इसी के साथ में एक साइलेंट क्वेश्चन है हिंदू मैरिज एक्ट के संबंध में। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने एक ब्राह्मणी से शादी क्यों किया। कृपया उचित समझें तो इस बात को भी थोड़ा सा बता दें, ताकि हम लोगों को जब फील्ड में जाते हैं तो हमारे को अपनी बात कहने में ज्यादा सुविधाजनक रहेगी, क्योंकि आप जैसे विद्वान व्यक्ति रोज रोज नहीं मिलता। उसके सर दो कारण है, बाबा साहब ने खुद बताए। एक तो ऐसी बात हुई सर, बाबा साहब को उनके जीवित रहते हुए सभी लोग बाबा कहते थे, तो जो बूढ़े लोग है वो भी बाबा साहब कहते थे, यंग लोग है सभी बाबा साहब कहते थे। तो जो भी बहुत सारी महिलाएं आती थी बाबा साहब को बाबा कहती थी, और बाबा साहब की हालत जब ठीक नहीं होती थी, क्योंकि 1935 में 27 मई को रमाई का निधन हुआ था हम सभी जानते हैं, और 14 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। तो मतलब 13-14 साल तक बाबा साहब अकेले थे, और बाबा साहब की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, बाबा साहब को गैंग्रीन था, बाबा साहब को डायबिटीज था, बाबा साहब को काफी बीमारियों ने घेरा था, और उनको ये लग रहा था कि अगर मेरी सेहत का ठीक से रखरखाव करने के लिए अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो मैं जितना भी मुझे जिंदगी में करना है वो शायद कर नहीं पाऊंगा। तो उनको उनके सारे दोस्तों ने, और खासकर जो मालवनकर जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने भी बताया था कि बाबा साहब ऐसा कर लो कि आपको कोई तो भी साथी बनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब तो पहले चारित्र को तो सबसे पहले मानते थे, इसीलिए कभी नहीं चाहते थे अगर मैं दूसरी शादी करूं अगर कोई मुझे भला बुरा कह दे तो उसका क्या होगा। कैरेक्टर उनके लिए सबसे पहले, सील सबसे पहले था, सील और शिक्षा और स्वाभिमान हमने उस दिन बताया। तो बाबा साहब के सामने समस्या थी, अगर मेरे समाज से अगर किसी महिला के साथ अगर शादी कर लूं तो दो चीजें होनी चाहिए, वो बुद्धिजीवी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो भी विचारों का आदान प्रदान करते थे एक, और दूसरी बात खासकर बाबा साहब को उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक डॉक्टर ही चाहिए थी जो कि दिन रात बाबा साहब की हालत को देखे। तो जब भी बाबा साहब मुंबई में आते थे तो ये डॉक्टर शारदा कबीर जो है वो मुंबई में रहती थी पहले, सॉरी दिल्ली में रहती थी, ये मुझे पता नहीं इतना, तो दिल्ली या मुंबई में रहती थी, तो बाबा साहब को वीकली या मंथली फिर आकर वो डॉक्टर जो थे हेड उनको भेजते थे, और वो बहुत बार आती थी, और बाबा साहब को रात को करीब 10 बजे या 11 बजे इंजेक्शन लगाना रहता था। उस वक्त डायबिटीज का इंजेक्शन हुआ करता था, गोली नहीं होती थी। तो बाबा साहब को ये फिर लगने लगा कि ये जवान लड़की है या महिला है, और ये मेरे घर में रुकती है 10-11 बजे तक, और ये मेरी सेवा करती है, लेकिन समाज अगर सोचेगा तो मैं क्या कहूंगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है, और कांग्रेस और ये तो सारे लोग विरोधी लोग मनुवादी लोग तो इसी पर तुले थे कि बाबा साहब कहाँ पर गलती करते। तो बाबा साहब को दो चार लोगों ने सलाह दी कि आप शादी कर लो, और तब बाबा साहब को बताने के बाद फिर ये शारदा कबीर के साथ बाबा साहब ने पूरा कंसेंट लेने के बाद बहुत सारे दोस्तों का, और सोच विचार करके बाबा साहब ने एक महिला से शादी की, इसीलिए नहीं कि वो सवर्ण थी, इसीलिए कि वो डॉक्टर थी और एक महिला थी, क्योंकि वो इक्वालिटी को मानते थे। अगर हमारे समाज में अगर उस वक्त की कैलिबर की अगर कोई डॉक्टर महिला थी तो उसके साथ भी शादी कर लेते, ये मत सोचो कि सवर्ण के साथ क्यों की, इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर जी, ऑब्लाइज आई फील सर। रमेश कटके सर, थैंक यू सर जी। हाँ जी सर, सर बोलिए। माइक बंद हो गया उनका। जेपीएस बहुत सर, सर परियार सर नई क्वेश्चन होगा तो आगे लीजिए प्लीज। सर आ रही आवाज? हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि, और वीडियो भी कई सोशल मीडिया पर आ रही हैं, देखी गई हैं, कि इनकी जो जीवन संगनी है शारदा कबीर,
बाबा साहब की, इन्होंने उनको कुछ खाने पीने में ऐसा कुछ दिया कि वो बीमार हो गए और चले बस, चल बसे, स्लो अब सर इसमें क्वालिफाइड। दो बातें आती हैं। एक तो यह है कि एक लोखंडे नाम के, उनका पहला नाम नहीं मुझे पता, लोखंडे नाम के एक इंसान ने उसके ऊपर किताब लिखी है कि वो बाबा साहब की हत्या कराई गई और उसकी जिम्मेदार शारदा कबीर ही है। और दूसरे उसके कुछ एविडेंस उन्होंने, रत्तू सर जो थे, रत्तू सर ने पहले दिन में उनको बुलाया था, फिर बुद्धयानी धम्मा का पहला प्रस्तावना लिखनी थी, वो लिखकर हो गई, फिर उनके बीच में झगड़ा हो गया वगैरह वगैरह, ऐसी बातें उन्होंने कही है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के कुछ लोग है, काफी अच्छे लोग है, उन्होंने खुद शारदा कबीर जो माई साहब है उनके साथ चर्चा की थी और उनको बहुत ही आड़े हाथों लिया था, इधर उधर के क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो लोग इस कंक्लूजन में आए कि ऐसा लोग कहते हैं उन्होंने नहीं की। तो दोनों भी बातें हैं, दोनों प्रकार की किताबें हैं सर, ये निश्चित रूप से क्या हुआ। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो दादा साहब गायकवाड़ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने पार्लियामेंट में 3 4 बार ये क्वेश्चन उठाया था, क्वेश्चन असेंबली क्वेश्चन बनाया था कि बाबा साहब की हत्या की जितनी भी फाइलें हैं वो ओपन की जाए, उसमें संशोधन कमिटी बनाकर उसका क्या पर्टिकुलर रीजन है इसके ऊपर संशोधन करके पेश किया जाए संसद के सामने। लेकिन कांग्रेस ने इसके ऊपर कभी गहराई से नहीं लिया बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद। 1957 में बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे महाराष्ट्र से, एक यूपी से भी था शायद कोई मौर्य, और 25 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी थे, अपने मेंबर एमएलए थे। तो उस वक्त बहुत ही आंदोलन चलाया था, ये लोगों ने करीब 2 3 दिन तक पार्लियामेंट को बंद भी कराया, लेकिन नेहरू सरकार ने इसको कभी गंभीरता से नहीं लिया, इसके ऊपर कभी संशोधन नहीं किया और पार्लियामेंट में वो नहीं आती है बात। वो रिसर्च का मुद्दा है सर, अगर कोई सामने आता है उसके ऊपर पीएचडी करता है, रिसर्च करता है, तो ही इसके बारे में हम लोग कॉन्क्रीट मत बताएंगे सर। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
गच्छामि। तृतीयं पि बुद्धं मे शरणं गच्छामि।